अब हम शुरू करते हैं किस तरह से एक सीवी के टाइटल को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जाके सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूरी क्यूलम विटाए, फिर जिसके नाम की हम सीवी बना रहे हैं, सीवी जैसे मिस्टर अहमद खान, सीवी का फुल फॉर्म सी फॉर क्यूरिकुलम वी फॉर विटाए, ठीक है ना। जो हम अक्सर एक डॉक्यूमेंट होता है ना सीवी, जो जॉब्स वगैरह या एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसका पूरा वर्ड है क्यूरिकुलम विटाए, ठीक है। तो यहाँ पर अहमद खान हमने लिख दिया और इंटर किया, और एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी, एड्रेस लिखने के बाद कॉलन लगाया, हाउस नंबर सपोज टू बी सी ऑब्लिक 688/31, और यहाँ पे लिख दिया हमने मुस्लिम टाउन, फिर इंटर, शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ सिंध पाकिस्तान, पोस्टल कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, सिक्स एट जीरो थ्री जीरो, ठीक है, ये शहदादपुर का पोस्ट ऑफिस का कोड है। इसके बाद यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन को लिखा, +92-3444-83-43930, इंटर किया, ईमेल अपना अपना लिखना है, जैसे मैंने अपना लिख दिया। ये एट द रेट का निशान कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ टू का बटन दबाएंगे तो ये निशान आएगा, एंटर करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ एक सेक्शन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, दूसरा सेक्शन बनाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तीसरा सेक्शन बनाएंगे इसका, बस दो सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फादर्स नेम, फिर एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, कॉलन, फिर एक टैप देंगे, सपोज टू भी यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ लिखेंगे सरनेम, एक टैप, दूसरा, तीसरा टैप, कॉलन, एंटर कर दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ, एक दो तीन टैप, कॉलन, फिर यहाँ पे ले लिया हमने जेंडर, एक दो तीन टैप, फिर एंटर, यहाँ ले लिया हमने कंट्रोल एस करके सेव सिटी, एक मिनट, सिटी से पहले हम यहाँ ले लेंगे उसका सीएनआईसी, जो भी नंबर है सीएनआईसी नंबर यहाँ पे पुट अप कर देंगे, फिर हम उसका लेंगे सिटी शहदादपुर, डिस्ट्रिक्ट सांगढ़, डोमिसाइल, तो जिस भी डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ उसका नाम लिख देंगे, और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। ये डेटा पुटअप करने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्टाइल देना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, स्टाइल पे जाके क्लिक करना है, टाइटल पे क्लिक करना है, सेंटर करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज को कम करके 20 पे लेकर आना है, बोल्ड अंडरलाइन कर देना है, सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे रखना है एम्फेसाइज पे, फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, बोल्ड अंडरलाइन कर देना है, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग को यहाँ से ख़त्म करना है, रिमूव स्पेसिंग, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ से क्लिक करके नो स्पेसिंग करके यहाँ से ख़त्म करना है, फॉन्ट साइज को 10 पे रखना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक करके इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, सेलेक्ट करना है इसको यहाँ पे, इसको H1 यानी कि हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, देन फिर यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे जाके पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है, H1 पे क्लिक करना है, हेडिंग 1 पे क्लिक करना है, एंड देन फिर यहाँ से जाके सेलेक्ट करना है इसको, और फॉन्ट साइज को हमने सेट करना है 12 पर, यहाँ से थोड़ा बहुत ये ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ रख के टैब दबाएंगे दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका पूरा बनाना है, ये आपने बनाया सीवी का, इस हिस्से को कहेंगे टाइटल और इस हिस्से को आप कहेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका पूरा सीवी का मामला इसके अंदर इस तरह से क्रिएट करना है आपने, ठीक है।